झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार बनने के बाद कांग्रेस पार्टी के विधायकों को तो गुंडागर्दी करने का लाइसेंस ही मिल गया है। कांग्रेस के विधायक अब विधायिका की गरिमा को तार तार कर गुंडागर्दी करने पर उतारू हो गए हैं। कांग्रेस के विधायक उमाशंकर अकेला और उनके विधायक प्रतिनिधियों के गुंडागर्दी के फिर से करतूत सामने आई है। कानून चाहकर भी सत्ता की धौस के आगे कुछ कर नहीं पाता है। अब नया विवाद बरही के पदमा प्रखंड के सिमरकुरहा गांव में हुए जमीन विवाद में मारपीट का मामला आया है, जहां जमीन के मालिक बैजनाथ यादव और उसके परिवार के लोग बरही के विधायक उमाशंकर अकेला और उसके विधायक प्रतिनिधि विनोद यादव पर मारपीट की घटना को अंजाम देने का आरोप लगा रहे हैं। शंकर अकेला जा रहा हूँ, गाड़ी में बैठा था विधायक और प्रतिनिधि विनोद यादव के दारू का तो साथ ही गाड़ी में बैठे हुए थे। उमाशंकर अकेला यादव ने बोला कि अब तुम्हारी सत्ता नहीं चलेगा, मेरा सत्ता है, इन लोगों को आप लोग बचने मत दो, सारे आदमी को गोड़ हाथ पोड़कर को मारना है। तो इसी तहस पर सुखी यादव ने हमारे घर का दरवाजे पर बैठे हुए थे उसको घसट कर को मारना और गोड़ हाथ को तोड़ दिया है। और इस कहीं पर हमारी बुढ़िया माँ थी, उसकी नहीं मारने के हम लोग बचाए, वह फरसार तरार से मारा है। और डेगन यादव गंभीर रूप से हालत खराब है उसकी, यादव और काम नहीं कर पाता है, खा पी नहीं पा रहा है, एकदम गंभीर हालत है उसका, सीरियस कंडीशन है। सिमरकुरहा गांव में जमीन विवाद का मामला पदमा के सीओ के समक्ष विचाराधीन है। पिछले कई वर्षों से बैजनाथ यादव और उसके परिवार के लोग जमीन पर खेती कर रहे थे। दूसरे पक्ष के संतोष यादव को विधायक उमाशंकर अकेला और उसके प्रतिनिधि विनोद यादव का संरक्षण प्राप्त है। संतोष यादव के साथ विनोद यादव और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बैजनाथ यादव और उसके परिवार के लोगों के साथ जमकर मारपीट करते हुए कई लोगों के हाथ पैर तोड़ दिए हैं। गंभीर रूप से घायल लोगों को हजारीबाग सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां एक व्यक्ति मौत से जूझ रहा है। तीन घंटा के बाद में जमीन जगह जो था वह हमारा दरवाज़ा पर जो उसने चालू किया संतोष यादव, उसमें संतोष यादव 70-80 आदमी लाया था, उसमें 8 बिलोरो था, 8 बिलोरो के अंदर में सब तरवार फरसा सब शामिल ला के घूमने लगा। उसके बाद में हम लोग सभी व्यक्ति घर में थे। घर आने के बाद हम लोग जानवर खोलने की तैयारी कर रहे थे, खोलने की तैयारी करने जा रहे थे। उसके बाद में लगभग 75 साल की उम्र की मेरी माँ था, वो जानवर लेके जाने के टाइम में उस वहाँ से उठा संतोष यादव और माँ के मारने के चालू की। माँ के मारने के चालू करने के बाद में हम लोग कूदे वहाँ पर माँ के बचाने के आधार पर बस मारने के हम लोग के चालू किया। मारने के चालू किया तो जान हथवा के चक्कर में पूरा बुरा ही तरह से मारा हम लोग को। मारने के बाद वहाँ से उन लोग पुलिस प्रशासन आने के बाद दौड़ने के चालू किया, गाड़ी ट्रैक्टर जो था सो पुलिस के आड़ा लगा दिया। यही नहीं, विधायक उमाशंकर अकेला के प्रतिनिधि विनोद यादव और कांग्रेस के समर्थकों ने महिलाओं को भी नहीं बख्शा। घर की महिलाओं के साथ साथ पुरुषों ने मारपीट की और उनके साथ दुर्व्यवहार तक किया। संतोष यादव ला के घर बाउंड्री सब तोड़ दिया, सरकारी बाथरूम था, बाउंड्री था, सब करवा करके ट्रैक्टर हला करके नरेश यादव पूरा जतवा दिया। और उसके बीच में हम लोग घर में सब फैमिली घर टूट के दरवाज़ा तोड़ फाड़ करके और सबको मार पीट दिया। मंगलसूत्र था घेचा में, वो भी छीन लिया, कान में था वो भी छीन लिया, अभी हाथ हमको तोड़ दिया है, मार करके पंचर हो गया है। और जो भी क्रम है से तो करवे किया है, और का बोले कर इसको आप जो भी बोलना है करना है कर देंगे। वाला चीज़ है कहेंगे आज जाँच पड़ताल भी कर लीजिए कि किसका एथी ने जो जवाब नहीं है, किसका नाम है,
भी देखने वाला चीज़ें देख लीजिए। गरीब हम लोग खाने वाला है, कमाने वाला। बूढ़ी सास है, हमको उस भी बीमार के पार दिया। हमको दादी सास के नाम से सब कागज पत्र था, लगभग 50-60-70 के हमको हथवाने कागज पत्र है, बन रहा है, कमा खा रहे हैं। जो दबाव के बीच में जबरदस्ती कर रहा है कि मेरा जमीन है, उसी के बीच में लड़ा था। बरही के इलाके में विधायक उमा शंकर अकेला और उसके समर्थकों की गुंडागर्दी इस कदर बढ़ गई है कि अब कानून पर किसी को विश्वास नहीं हो रहा है कि उनको न्याय मिल पाएगा। सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गरीबों के हक को लेकर केंद्र सरकार से लड़ाई लड़ने का दावा करते हैं, लेकिन झारखंड के बरही में कांग्रेस विधायक उमा शंकर अकेला जिस तरह से गरीबों पर जुल्म ढा रहे हैं, उसके खिलाफ में मुख्यमंत्री जी कौन उनकी लड़ाई लड़ेगा? केवल अपनी सीएम की कुर्सी बचाने के लिए गरीबों पर जुल्म होता हुआ देखते रहेंगे क्या आप? या कांग्रेस पार्टी की ही तरह आप भी गरीबों की आवाज़ को दबाने का ही प्रयास करेंगे? मुख्यमंत्री जी, बरही के इलाके में कांग्रेस के विधायक उमा शंकर अकेला की गुंडई से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं और आपका पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बनकर उमा शंकर अकेला की दबंगई के तमाशे को चुपचाप देख रहा है। आखिर विधायक उमा शंकर अकेला और उसके प्रतिनिधि विनोद यादव की गुंडई से बरही के इलाके में कौन गरीबों को निजात दिलाएगा? बरही से मुकर संवाद के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। जब टूटती है आप, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।